नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा की जानकारी देने की पहल, शिक्षकों को डिजिटल तकनीक और साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की नई सुविधाएं, बिजली का लोड बढ़ने पर अब 6 महीने नहीं लगेगी पेनाल्टी। बैलेंस खत्म होने पर भी अब 72 घंटे तक बिजली रहेगी बहाल। नीतीश कुमार का बाढ़ राहत निरीक्षण, दरभंगा में बाढ़ राहत कार्यों का निरीक्षण, बाढ़ प्रभावितों को राहत की उम्मीदें। त्योहारों पर यात्रा करना होगा सुखद, बिहार के लिए विशेष ट्रेनों का मिलेगा सौगात। वंदे भारत और अमृत भारत पूजा स्पेशल ट्रेनें होंगी शुरू। ऋषभ पंत आज मना रहे हैं अपना 27वां जन्मदिन। इस खास मौके पर चार्लोट फ्रीमैन की मोटिवेशनल लाइनों को किया साझा। पंत की यात्रा हर युवा खिलाड़ी के लिए एक प्रेरणा। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 70,000 से अधिक स्कूलों के शिक्षकों, प्रधानों और शिक्षक प्रशिक्षकों को सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक के सुरक्षित उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण में साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा और ऑनलाइन संसाधनों के उपयोग पर जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इसका उद्देश्य शिक्षकों को सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल और साइबर सुरक्षा की जानकारी देना है, जिससे वे अपने छात्रों को भी सूचित कर सके। इसकी तैयारियां शुरू करने को कहा गया है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सुविधाओं में बदलाव किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान बताया कि बैलेंस खत्म होने पर अब 72 घंटे तक बिजली बहाल रखी जा सकेगी, जबकि पहले यह अवधि 24 घंटे थी। इसके लिए स्मार्ट मीटर में लगे पुश बटन को 20 सेकेंड तक दबाना होगा। यह सुविधा महीने में एक बार विशेष परिस्थिति में मिलेगी। DM ने यह भी बताया कि उपभोक्ताओं को अब बिजली कटने की सूचना 1 सप्ताह पहले मिलेगी। लोड बढ़ने पर पहले लगने वाली पेनाल्टी अब 6 महीने तक नहीं लगेगी। इसके अतिरिक्त सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दरभंगा में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत वितरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इंडोर स्टेडियम में फूड पैकेटिंग केंद्र का दौरा किया और बिरौल अनुमंडल के पुनौच गांव में सामुदायिक किचन का अवलोकन किया। फूड पैकेटिंग केंद्र के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के इस दौरे से बाढ़ प्रभावित लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खासकर कोसी और कमला बलान नदी के तटबंधों के ऊंचाईकरण और सफाई की घोषणाओं के कारण लोग बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए डैम बनाने की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। त्योहारों पर रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दीपावली और छठ के मौके पर रेलवे दिल्ली से बिहार के लिए 4 वंदे भारत या अमृत भारत पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है और यह विशेष ट्रेनें खासकर मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लिए संचालित होंगी, जहां त्यौहार के दौरान भारी भीड़ होती है। सीतामढ़ी और लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच भी एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जो 4 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक चलेंगी। ट्रेन संख्या 05585 में 22 कोच होंगे, जिसमें 13 शयनयान श्रेणी के और 7 साधारण कोच शामिल हैं। ट्रेन रक्सौल से हर शुक्रवार 4:55 में खुलेगी और वापसी में ट्रेन संख्या 05586 रविवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए निकलेगी। रेलवे बोर्ड ने इसकी तैयारी के लिए संबंधित जोन को निर्देशित किया है। इसमें अभी 1 सप्ताह का समय लग सकता है। BPSC 70वीं परीक्षा भर्ती के आवेदन के बीच आयोग ने OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा है कि 69वीं और 70वीं परीक्षा के लिए यूजर नेम और पासवर्ड का ही उपयोग करें। जिन्होंने OTR नहीं किया वे ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि यूजर नेम या पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट यूजर नेम एंड पासवर्ड लिंक के जरिए रिकवर कर सकते हैं। आयोग ने आवेदन में
में फोटो की अस्पष्टता को लेकर भी चेतावनी दी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वेब कैम से खींची गई फोटो में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। गलत फोटो अपलोड करने पर एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। आयोग ने इस प्रक्रिया को लेकर सख्ती बरतने का आश्वासन दिया है। राजधानी पटना के खादी मॉल में गांधी जयंती के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें खादी निर्मित वस्त्रों पर 50% की विशेष छूट दी जा रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी खादी वस्त्रों की खरीदारी की और कहा कि यह अभियान स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक 7 अक्टूबर को होनी है। इस पर चौधरी ने दावा किया कि बिहार में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और एसटीएफ ने 18 गिरोहों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सल मुक्त भारत के लिए सहयोग कर रही है। स्मार्ट मीटर विवाद पर सम्राट चौधरी ने बताया कि यदि किसी को समस्या है तो तुरंत आवेदन करें, इसकी जांच की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते दिनों लखनदेई नदी के किनारे मधुबन बेसी गांव के पास बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री वितरण के दौरान एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इस मामले की जांच वायुसेना ने शुरू कर दी है, जिसमें हेलीकॉप्टर के उड़ान से पहले की फिटनेस टीम और वायुसेना के अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। प्रारंभिक जाँच में यह पता चला है कि हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हुआ था, जिससे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मालूम हो कि लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे, जिन्हें ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला। बता दें कि यह हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश बरेली यूनिट का है और इसकी जांच के लिए मैकेनिकल विंग बरेली और गोरखपुर से आएगी। राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों से संबंधित याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, हालांकि अब इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई 6 दिसंबर 2024 तक के लिए टाल दी गई है और इस मामले पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है। इससे पहले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इन मामलों की मॉनिटरिंग की थी, जिसके बाद राज्य के जिला जजों को 6 सप्ताह के अंदर प्रगति रिपोर्ट की बात कही गई थी। इस मामले पर पिछली सुनवाई में रिपोर्ट आ चुका है, जिसकी सुनवाई अब 6 दिसंबर 2024 को की जाएगी। बिहार में करीब 3,52,600 स्कूली बच्चों का नाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक साथ दर्ज होने का मामला सामने आया है, जो कि गैर कानूनी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई शिक्षा कोर्स पोर्टल की समीक्षा की, जिसमें दोहरे नामांकन का खुलासा हुआ। दरअसल पोर्टल पर बच्चों के विवरणी आधार नंबर के साथ दर्ज करने का आदेश दिया गया था, लेकिन बिना आधार कार्ड वाले बच्चों के नाम भी अपलोड कर दिए गए, जिसमें यह खुलासा हुआ। अब शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के DEO को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में सुधार करें। सबसे अधिक दोहरे नामांकन मधुबनी में 19,200 बच्चों का पाया गया है, जबकि सीतामढ़ी में 18,490, पटना में 9,202 और शेखपुरा में 206 मामले हैं। इन सभी बच्चों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जाएगा। CBI की विशेष टीम ने NIA पटना शाखा के DSP अजय प्रताप सिंह और उनके 2 एजेंटों को 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गया में गिरफ्तार किया है। बता दें कि रमैया कंस्ट्रक्शन के मालिक रॉकी यादव ने DSP पर घूस मांगने का आरोप लगाया था। जांच में शिकायत की पुष्टि होने पर CBI ने ये कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद पटना, वाराणसी और गया में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद हुए। DSP ने रॉकी की कंपनी पर नक्सलियों को मदद और अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोप में फंसाने की धमकी दी थी। DSP ने रॉकी को 2.5 करोड़ रुपए की मांग की थी और पहली किश्त के रूप में 20 लाख रुपए लेने की तैयारी कर रहे थे। DSP अजय ने गिरफ्तारी के बाद ये बात कबूल की है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर से पथराव का मामला सामने आया है। गया गोमो रेल सेक्शन में डाउन 20894 पटना टाटा नगर वंदे भारत एक्सप्रेस पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थरबाजी की, जिससे ट्रेन के एक कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना बीते दिन शाम को सरमाटांड और यदुडीह स्टेशनों के बीच हुई। हालांकि इस घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई। हजारीबाग RPF पोस्ट में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ
खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरपीएफ ने अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए कोडरमा और हजारीबाग रोड की संयुक्त टीम को पत्थरबाज की खोज में लगा दिया है। कोडरमा आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने सुरक्षा उपायों को सख्त करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पटना हाई कोर्ट में दो नए जजों शशि भूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे को आज शपथ दिलाई गई। यह समारोह पटना हाई कोर्ट के शताब्दी हॉल में आयोजित किया गया, जहां चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन ने दोनों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शशि भूषण प्रसाद सिंह, जो पहले पटना हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार थे, उन्होंने गोपालगंज के गोपेश्वर कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और 1987 में वकालत शुरू की। वहीं अशोक कुमार पांडे, जो बिहार जुडिशियल एकेडमी के निदेशक हैं, उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातक और लॉ की डिग्री प्राप्त की। राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत की है। नीति आयोग बिहार के योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सहायता मिशन और राज्य परिवर्तनशील कार्यक्रम की स्थापना कर रहा है। इसके तहत बिहार के अधिकारियों को योजनाओं को लागू करने की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट को चुना गया है, जिसने आयोग को विस्तृत कार्य योजना सौंपी है। नीति आयोग कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यशालाओं और अनुसंधान का आयोजन करेगा। इसके लिए 2 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। बता दें कि आयोग का उद्देश्य पिछड़े जिलों का विकास सुनिश्चित करना है, जिससे केंद्र प्रायोजित योजनाओं का अधिकतम लाभ बिहार को मिल सके। फिलहाल आयोग ने 15 राज्यों में इस योजना को मंजूरी दी है, इनमें बिहार भी शामिल है। आयुष्मान कार्ड धारकों को ही नहीं बल्कि आयुष्मान कार्ड बनाने वालों को भी अब चांदी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य के जिन चयनित लाभार्थियों को अब तक आयुष्मान भारत कार्ड जारी नहीं किया गया है, उन्हें जल्द ही कार्ड आवंटित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक के दौरान यह बताया कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ओपीडी के बाद कार्ड बनाने में सेवा देंगे, उन्हें प्रति कार्ड 5 रुपये अलग से दिए जाएंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आज अपना 27वां जन्मदिन मना रहे हैं। पंत ने इस खास दिन पर फैंस को मोटिवेशनल सलाह दी है, जिसमें उन्होंने आत्मविश्वास और धैर्य की अहमियत बताई। उन्होंने चार्लोट फ्रीमैन की मोटिवेशनल लाइनों को साझा करते हुए कहा कि खुद की तलाश में खो जाना और खुद पर विश्वास करना जरूरी है। मालूम हो कि पंत ने 2022 में भयानक कार दुर्घटना का सामना किया था और उनकी वापसी दूसरों के लिए प्रेरणा है। ऋषभ ने 12 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और 2015 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। उनकी 308 रन की पारी ने उन्हें चर्चा में ला दिया और उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप और आईपीएल में भी सफलतापूर्वक भाग लिया। आज पंत की यात्रा हर युवा खिलाड़ी के लिए एक प्रेरणा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है नरेंद्र कुमार, नवल किशोर झा, गुना शर्मा, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, सुरेंद्र राय और अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है एक बच्चे का एक ही समय में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में नामांकन करवाने वाले अभिभावकों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।